हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम का टाइम है, मैंने सोचा चलिए ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज है 26 मई। जी हाँ, आज है मेरी नंद जी का बर्थडे, तो यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन की है। आप लोग जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है और कुछ भी नहीं मिल पा रहा है सही तरीके से। अब तो हालांकि सब चीज़ें धीरे धीरे मिलने लगी है, कुछ दिन खुलती हैं दुकानें, कुछ दिन बंद रहती हैं अलग अलग टाइप की। तो उसी से रिलेटेड चलते चलते ये बलून्स आ चुके हैं थोड़े से, और आधे बलून्स फूट भी चुके हैं। और साथ ही साथ दक्ष को यहाँ पर लिटा दिया गया है, ताकि दक्ष को बहुत अच्छा लग रहा था। सभी लोग इसी रूम में थे, आई मीन हॉल में थे, और डेकोरेशन वगैरह भी चल रही थी, तो ये भी काफ़ी देख देख के एंजॉय कर रहे थे। लेकिन हाँ, जैसे ही बलून फूटता था वैसे ही इनको डर लगता था। तो और आद्या मैडम है, वो तो तैयार होएंगी ही, क्योंकि आद्या को तो मौका चाहिए। बस कोई ओकेजन हो या ना हो, बस आद्या को लहंगा पहनना ही है। और एक्सप्रेशन तो देखो फोटो खिंचाने के। तो ये देखिए, आपकी प्यारी सी आद्या रेडी हो चुकी है, ठुमके लगा रही है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और आद्या का डांस भी दिखाते हैं। आद्या गजवर पानी ले चली पे डांस कर रही है और आगे आपको वीडियो में दिखाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे लाइम रोड के बारे में बात करने वाली हूँ। ये एक शॉपिंग ऐप है, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, और आजकल इस पे एक नया अपडेट आया हुआ है। इस टाइम इस पे कट द प्राइस का सेल चल रहा है। आपको बस इस ऐप को इंस्टॉल करना है। आपको इसे इंस्टॉल करने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया हुआ है नीचे, उस पर जाके आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पर जाकर आप इसे साइन अप कर सकते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कट द प्राइस का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आपको आगे कट द प्राइस का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको उसके अंदर जाना है। इसके अंदर आते ही आपको प्रोडक्ट शो होने लगेंगे, और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट दिए हुए हैं, काफ़ी सस्ते हैं, कम प्राइस में हैं। और यहाँ पर जो भी आपको प्रोडक्ट लेना है, उस पर आप कट द प्राइस पर क्लिक करना। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आप अगर चाहते हैं इसका कोई भी जेंडर वगैरह चूज करना चाहते हो, अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। एंड इस पर जो प्राइस जो मेंशन है, 400 से शुरू है और 500-600 तक दिए गए हैं। आप अपना अब आपको क्या करना है, आप अपने प्रोडक्ट को चूज करना जो भी आपको पसंद है, और उसे कट द प्राइस पर क्लिक करना है। और अपने फ्रेंड को या इसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हैं इसके प्रोडक्ट। और उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स के रिफेयर के लिए यहाँ पर फ़ोन नंबर टाइप करना है और साइन अप करना है। और उसके बाद आपको जो भी चाहिए, आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद है, उसे आपको चूज करना है, उसका लिंक व्हाट्सअप करो और शेयर करो। जो जैसे ही आप उसे शेयर करेंगे, शेयर करने के बाद जैसे ही आप उसके शेयर कर देंगे ना, तो शेयर करने के बाद 40 से 50 रुपए कट हो जाएंगे। लिंक पर क्लिक करो। लिंक पर क्लिक करने के बाद जितने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, उसमें से 20 रुपए कम होते चले जाएंगे। आप इसी तरह बाईपास कर सकते हैं। और आप जितने जो लोगों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, जितने लोगों को रिलेटिव को आप शेयर करेंगे, 20 रुपए कट होते चले जाएंगे। गाइस, ये है ना एक बहुत ही अच्छी सी डील। आप भी इस डील का लाभ उठाइए और लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप एक बार चेक जरूर कीजिएगा। अब चलिए देखते हैं आगे वीडियो। Chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. तो गाइस, डेकोरेशन थोड़ी सी हो गई है। एक्चुअली बलून जो है ना फूट गए हैं बहुत जल्दी से,
कुछ बलून बचे हैं, जैसे कि 4 बचे हैं ब्लू एंड 6 बचे हैं वाइट, बस तो इसी से ही काम चलाते हैं। आया तो था पूरा पैकेट लेकिन फूट गए। और आद्या का डांस देखा कैसा लगा? आद्या बहुत खुश है, आद्या सुबह से ही खुश है। वो बोल रही थी कब होगी शाम, कब सेलिब्रेट होगा बर्थडे, कब होगी पार्टी। और आप सभी लोग जानते हैं आद्या को लहंगा कितना पसंद है। कोई भी ओकेजन हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, कुछ भी हो, या फिर वहीं यानी एवरी डे उसको लहंगा दे दो तो वो लहंगा एवरी डे पहन सकती है। तो इसलिए वो उसने लहंगा पहन लिया है। और बहुत दिन से कह रही थी कि कब है बर्थडे बुआ का, कब है बर्थडे बुआ का। और जब बर्थडे आ गया तो कब होगी शाम, बस यही सब चल रहा था। तो बस दीदी तैयार हो रही हैं, थोड़ी सी क्लिप दिखाई मैंने आपको, वो पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि दीदी कैसी लग रही हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि दीदी ऐसी आईब्रो हो ही गई हैं लोगों की, घर पे क्या करें लॉकडाउन है इस वजह से। नहीं, किसी किसी की क्या होती हैं, उनकी आईब्रो होती ही ऐसी है कि थ्रेडिंग कराओ या ना कराओ उनकी एकदम बढ़िया रहती हैं। मेरी ज़्यादा ग्रोथ आ गई है। कौन से वाले? हाँ ये अच्छे लग रहे हैं। दीदी आ चुकी हैं तैयार होकर, आई मीन ड्रेसअप होकर, और इयररिंग्स अपने चेंज कर रही हैं। और की हेयर स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लग रही है। जैसे जैसे मेरी ननद जी तैयार होती है, मतलब मेकअप करती है, इयररिंग्स पहनती हैं, तो उनको मेरी बेटी देख कर ना यही कहती रहती है, मुझको भी ये पहनना है, मुझको भी ये पहनना है। तो वो इसीलिए आद्या को कभी कुछ ना कुछ बनाती रहती है, कभी राधा, कभी कृष्णा, कभी सीता। अभी कुछ दिन ही पहले की बात है, वो कह रही थी इसको सरस्वती का लुक भी देना है। और आद्या अपने डॉल के साथ भी खेल रही है, आद्या डॉल वगैरह लेकर आई थी वहां से। मैं ट्राइपॉड लेकर नहीं आई थी, तो इसीलिए मैंने अपने मोबाइल को सोफे पे सेट करके थोड़ा शूट कर रही हूँ, क्योंकि नहीं लेकर आई थी तो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैं आजकल ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ रोज में, तो यहाँ पे मैंने बलून्स को ना टेबल पे लगाकर थोड़ा डेकोरेट करने की कोशिश कर रही थी, बट मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था। मैं सोच रही थी कैसे करूँ, मैंने टेप लिया, सेलो टेप जो होता है जिसे चिपकाया जाता है, वो भी चिपकाने की कोशिश की, तो बट उसका भी उससे भी काम नहीं चला। और दीदी को फ़ोन पे फ़ोन आ ही जा रहे हैं विशेष के लिए, तो वो थोड़ा बिजी हैं, फ़ोन पे बात कर रही हैं। और आप लोग काफ़ी टाइम से, जब भी मैं दीदी को व्लॉग्स में थोड़ा सा भी लेती हूँ या ससुराल आती हूँ, कभी भी पिछली बार जब मैं ससुराल आई तब भी यही कमेंट आते थे कि आपकी ननद की शादी नहीं हुई, आपकी ननद की शादी नहीं हुई, बस यही ये कमेंट ज़्यादातर आते थे। तो आप लोगों को दिखता है अभी वो मैरिड नहीं है, उनकी शादी अभी नहीं हुई है, तो आप लोग फिर भी बहुत सवाल करते रहते हैं। ये मेरी सबसे छोटी ननद है, उसके अब इन्हीं की शादी होगी, तो आप सबकी सारी कन्फ्यूजन दूर करूंगी मैं आज की वीडियो में। जो कुछ मैंने छुपा के रखा था, जो मैंने नहीं बताया था, कारण भी है मेरे पास मैंने क्यों छुपाया है, क्यों नहीं बताया है। कारण ये है कि मैं सीतापुर में थी और मेरी मतलब प्रेगनेंसी टाइम चल रहा था, और मैं मतलब जालौन नहीं आ पाई थी, अपने ससुराल नहीं आ पाई थी, ना दीदी से मिला पाई थी, ना कुछ भी। तो सब कुछ जो कुछ होता रहा था यहाँ पर, वो सब मुझे पता था, और मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। क्यों? क्योंकि मैं जब खुद ही नहीं वहाँ पहुँच पाई थी यहाँ पर, तो मैं आप लोगों को क्या अपडेट देती। यहाँ पे मेरी जिठानी जी का भी कॉल आया है, वीडियो कॉल, वो भी विश कर रही थी, तो आद्या से बात कर रही थी, मैं बलून लगा रही थी यहाँ पर, और यहाँ पे थोड़ा सा मजाक भी कर रही थी मैं इनसे, चलो एक गेम्स खेलते हैं अपने बम से बलून को फोड़ने वाला। देखा होगा आप लोगों ने बहुत से टीवी शो में वगैरह में आता है ऐसा गेम वाले सीरियल में, तो वही करने की कोशिश कर रही थी। और जब जेठानी जी है मेरी, तो उन्हीं को मैं बता रही थी, चलो आ जाओ ना मेरे साथ गेम खेलते हैं, यही वाला जितने बलून जो फोड़ पाएगा वो विनर होगा। और दक्षिणा आराम से साइकिलिंग कर रहे हैं, बच्चे छोटे होते बच्चे होते बहुत हाथ पैर चलाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, और वो अच्छा भी होता है, उससे एक्सरसाइज होती है उनकी। Into
ये आ गया है मेरी नंदन जी का केक, हैप्पी बर्थडे वाला केक। और चलिए अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो बात, रिवील करती हूँ जो छुपा के रखा था। ये जो केक है ना, ये मेरे मेरी नंदन के हस्बैंड ने भेजा है। आई मीन मेरी नंदन के जो हस्बैंड जी हैं, यानी मेरे नंदोई जी होने वाले, उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं इसलिए कि ये केक स्पेशली उनके लिए ये आए। बल्कि सब लोग यहाँ पे सब कुछ कर सकता था, दीदी भी कर सकती थी, मैं भी कर सकती थी, सब कोई, लेकिन उन्होंने पहले से ही प्लान कर लिया और ये जो केक है उन्हीं की तरफ से हैं, ये जो चॉकलेट्स हैं वो उन्हीं की तरफ से हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए कि जी हाँ, मेरी ननंद की जो शादी है वो तय हो चुकी है और उनके वो इंगेज भी हैं, आई मीन इंगेज भी हो चुकी है। घर आए थे कुछ लोग, छोटा मोटा फंक्शन कर लिया था। क्यों? क्योंकि मैं नहीं थी, मतलब और मेरे हस्बैंड नहीं यहाँ पे थे, तो इसलिए छोटा मोटा फंक्शन जो था वो हो गया था, गोद भराई जैसा। उसके बाद जो शादी थी वो 3 मई को थी, यानी 3 मई जो निकल चुकी है अभी। ये पहला जो ये बर्थडे है ये अपने ससुराल में सेलिब्रेट कर रही होती वो, बट वो अब यहाँ कर रही है। लॉकडाउन के चलते उनकी शादी है वो पोस्टपोन हो गई है, अदरवाइज लॉकडाउन में शादी कर लेते, लेकिन वो दूसरे राज्य के हैं, आई मीन वो राजस्थान से हैं जो मेरे नंद के दूल्हा हैं, मेरे हस्बैंड हैं उनके, तो वो राजस्थान से दूसरे ज़िले में हैं और जॉब कहीं और शहर में करते हैं। तो थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से अलाउ नहीं था ना जाना, परमिशन मिल भी जाती तो हमारे घर के लोग ही इतने सारे हैं तो ज़्यादा लोगों की परमिशन ही नहीं मिल पाती। इस वजह से इस लॉकडाउन के चलते मेरी ननद की शादी जो है वो पोस्टपोन हो चुकी है। अब वो कब होगी मुझे नहीं पता, लास्ट जून में भी हो सकती है या फिर नवंबर में होगी, तो वो तो इंतजार ही रहेगा कि कब होगी। तो यहाँ पे उनका केक, उन्होंने केक कट कर दिया है और आप धीरे धीरे आप मेरे फैमिली के सारे मेंबर से मिलिए और हम सब लोग उनका टीका करेंगे, जो भी विशेष हैं वो देंगे, जो भी लॉकडाउन है तो पैसे ही देंगे, कुछ सामान तो मिल नहीं रहा है, तो सब लोगों ने टीका किया है और उनको पैसे दिए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ एक चीज़ और बता रही है, जो वीडियो कॉलिंग चल रही है उस फोन पर बात करके, वो उनके ससुराल से ही है। 3 लोग इस टाइम वीडियो कॉलिंग पे हैं, मम्मी पापा, मेरे ननद के सास ससुर जी, मेरे ननद के हस्बैंड जी। मेरे ननद के जो हस्बैंड है वो जहाँ जॉब करते हैं वहाँ से हैं, ऑनलाइन है, और जो मेरी ननद के सास ससुर है वो राजस्थान से, एक ही साथ वीडियो कॉलिंग पे 3 लोग बात कर रहे हैं। और मैं भी नहीं मिली थी उनसे, तो मैं भी उनसे पहली बार ही वीडियो कॉलिंग के थ्रू मिल रही हूँ। एंड मैंने बात की है फ़ोन पे 1 से 2 बार, लेकिन वीडियो कॉलिंग पे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं वीडियो कॉलिंग से, और जो जो लोग उनसे नहीं मिले थे, आई मीन पूरे फैमिली में से, जैसे जब वो आए थे यहाँ पर तब तो सभी लोग थे, जैसे तीनों सासू माँ थी और ससुर जी थे, तो उनसे तो मिले थे, हम ही लोग ही नहीं थे, तो हम लोग मिल रहे हैं। और एक देवर जी भी नहीं थे जो लखनऊ में पढ़ाई करते हैं, वो भी उनसे वीडियो कॉलिंग के थ्रू मिल रहे हैं। तो है ना आप लोगों के लिए सरप्राइज। अब मत पूछना मेरी नंद की शादी कब है, मेरी नंद की शादी क्यों नहीं हुई है, वो सबसे छोटी नंद है मेरी और उनकी शादी तय हो चुकी है। अब कब होगी आई डोंट नो, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो जब डेट मिलेगी जो पंडित जी देते हैं तभी होगी। तो बस अब मैं भी आ गई हूँ केक खिलाने, मेरे हस्बैंड जी भी, छोटा सा शगुन भी दिया है और कहा भी है हमने कि अगर मतलब जून में शादी नहीं हुई तो अब मैं जुलाई में चली जाऊँगी सीतापुर, तो आप आना वहाँ पर थोड़े दिन मेरे साथ भी रहना, उसके बाद फिर नवंबर में होगी शादी, देखते हैं क्या होता है, वो तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन आप लोगों की सारी जो भी गलतफहमियां थी वो दूर हो गई होंगी।
see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. और फ्रेंड यहाँ पे मेरे इस जो ससुर जी है वो केक से केक कट करके आजा को खिला रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग इतने सारे लोग ही हैं हमारे घर में, तो जैसे एक एक करके नंबर बाय आ रहे थे। तो आध्या तो पहले ही सबसे पहले केक कट करके खा चुकी थी, लेकिन उसका मन था और खाने का, लेकिन इतनी सारी भीड़ में मतलब इतनी सारी आवाज़ों में उसकी आवाज़ पे जा ही नहीं रही थी। तो पापा ने यानी पापा जी ने सुन ली उसकी आवाज़, वो गए फटाक से केक को थोड़ा कट किया, प्लेट में लिया और आध्या को प्यार से खिला रहे। ये चीज़ मैंने तुरंत कैप्चर की, क्योंकि ये देखो दादी बाबा कितना प्यार करते हैं अपनी नातन को, और जो बेबी बॉय हुआ उसको भी, तो उसको तो मम्मी लिए हुए हैं और आध्या को पूरा पापा देख रहे हैं, और हम मम्मी पापा मामे मतलब आध्या के मम्मी पापा यानी मैं और मेरे हस्बैंड एकदम फ्री हैं, है ना। तो ऐसे ही होता है परिवार में। तो ये देखिए वो दक्ष को फर्स्ट टाइम ही वीडियो कॉलिंग पे दिखा रही हैं अपने हस्बैंड को और अपने सास ससुर को, और ये है मेरे देवर जी जो कि दक्ष को खिला रहे हैं, उसको बातें कर रहे हैं उससे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, होप आपको पसंद आया हो। ये जो सेलिब्रेशन लॉकडाउन में फैमिली के साथ एंजॉय किया है ना, ये ऐसे लॉकडाउन में इस तरीके का सेलिब्रेशन तो लॉकडाउन में हो ही नहीं सकता था, अगर फैमिली साथ ना होती तो, अगर दो चार ही लोग होते तो। लेकिन हमारी फैमिली इतनी बड़ी है ना, तो लगता ही नहीं है कि लॉकडाउन है। खूब बातें करो, सब लोग घर पे ही रहता है, कहीं जाना नहीं है, बहुत टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं साथ में। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे, अगर छोटी है तो भी प्लीज़ बोर मत होइएगा, आप फुल टाइम दीजिएगा फैमिली को। शायद लॉकडाउन खुलने के बाद सभी लोग बिजी हो जाए, फिर आपके पास टाइम देने के लिए कोई ना मिले, तो इसीलिए जो भी दिन बचे हैं ना वो आप लॉकडाउन में अच्छे से एक्सपेंड कीजिए, सॉरी एक्सपेंड कीजिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे डेली के ब्लॉग्स देखते रहिए। होप आपको मेरे वीडियो पसंद आते होंगे, अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक करना और अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में लिखना। तो आज मैंने वो सारी चीज़ें जो छुपा के रखी थी वो बता दी हैं। मैंने सोचा था सीधे डायरेक्ट शादी में ही दिखाऊंगी, लेकिन आप लोगों के इतने कमेंट आए तो मुझे बताना ही पड़ा कि मेरी ननद की शादी तय हो चुकी है। तो ये देखिए आज के दिन हमारे यहाँ बना था ये डोसा और सांभर, तो आप लोग भी खा लीजिएगा। तो रात में हम लोगों ने यही डिनर किया था एंड पार्टी ख़त्म। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, हो पसंद आया हो, बार बार कहती हूँ लाइक करना, शेयर करना, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, प्लीज़ टेक केयर, स्टे होम, सावधानी बरतें और कोरोना वायरस से बचते रहिए। ओके, बाय बाय।